नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। मैं जितेंद्र कुमार आपका होस्ट और दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं जितेंद्र कुमार YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पैन कार्ड से संबंधित है। आयकर विभाग ने सूचना जारी की है कि 31 मार्च 2019 से पहले जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं, वो कैंसिल करने की कैटेगरी में पहुँच जाएंगे। और अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो वो भी रद्द कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, ऑनलाइन इनकम कमाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना होने पाए। फ्रेंड्स, आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि कहीं वो रद्द तो नहीं हो गया है। क्योंकि ऑनलाइन इनकम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पैन कार्ड बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड रद्द हो गया तो आप ऑनलाइन से कमाई हुई इनकम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि पैन कार्ड की डिटेल देना अनिवार्य होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या होगा? आपको एक वेबसाइट है, इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग .gov.in। इस वेबसाइट का पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वेबसाइट पर जाके आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कहीं वो एक्टिव है या डीएक्टिवेट तो नहीं हो गया है। आपको जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है, आपके मेन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू टू होम। होम पेज पे जैसे ही आप पहुँचेंगे, यहाँ पे ये क्विक लिंक्स दिए हुए हैं साइड में। इसमें आपको लिंक ये नाम दिया हुआ वेरीफाई योर पैन डिटेल, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने डिटेल्स भरने के लिए पेज आएगा, जिसमें आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि नाम, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ। और ये लिस्ट आएगी कैटेगरी की, इसमें आपको मतलब एक पर्सनल पैन कार्ड को इसमें इंडिविजुअल में सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप डिटेल भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको पैन कार्ड का स्टेटस दिखाई देगा, जैसे कि सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पैन कार्ड इज एक्टिव। मैंने अपने पैन कार्ड की डिटेल डाल के सबमिट पर क्लिक किया है तो अभी वो एक्टिव दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था एक पैन कार्ड से रिलेटेड छोटा सा अपडेट जो मुझे पता चला, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये जानकारी आप पहले से जानते थे या नहीं, चेक करने के लिए ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।